फेडरल को आपने पढ़ लिया होगा। आज का हमारा यही प्लान है कि कैंपस टूर कराया जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें ये तो जाके डिसाइड करेंगे। तो अगर आपने देखना है वीडियो को तो एंड तक देखें, नहीं तो आप अभी ही जा सकते हैं। लेकिन टूर बड़े मज़े का होने वाला है, ये भी याद रखना। सो हैव एंजॉय कैंपस टूर। जी मैं अभी आ गया हूँ रूम से बाहर, ग्राउंड में आया हूँ अपने जो डोम के पीछे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा ये अपने मेन गेट पे, यानी जो हमारे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस है, तो सबसे पहले उसका मतलब हम लेंगे व्यू। फिर उसके बाद बारी बारी जिसका नंबर आता गया फिर आपको वो चीज़ मैं साथ साथ दिखाता जाऊँगा। तो मौसम माशाल्लाह से आज काफ़ी प्यारा है, साथ मौसम भी इंजॉय हो जाएगा। इस वक्त आ गया हूँ मेन गेट के पास, ये मेरे पीछे मेन गेट है, लेकिन आपको पता है कि वायरस आउटब्रेक की वजह से मेन गेट से बाहर नहीं जाने देते, लेकिन मेरे पास उसका भी जुगाड़ मौजूद है, हल मौजूद है। तो इसलिए हम ये करेंगे, हम सीधा ऊपर से आएंगे। ओके ये लेक पर, ये बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल सामने फ्रंट पर आती है। तो अब लेक का भी होगा, लेकिन सीन्स बहुत प्यारे हैं लेक के, पर सीन्स होंगे ऊपर से। अभी मैं आ गया हूँ अपने प्ले ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड। ये लेक के बिल्कुल साथ ही वाक़िया है और ये ग्राउंड मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मीन टू से कि जब हम लोग इधर आते हैं तो अब मतलब मुझे फुटबॉल नहीं पसंद, नहीं खेलने आता, तो मैं इसको क्रिकेट के लिए भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम ये सब कुछ साइड पे करके क्रिकेट के मैचेस भी खेलते हैं। मतलब जिस बंदे को यहाँ पर जो करना है वो करता है, लेकिन चाइनीज़ इसको जस्ट फॉर दी फुटबॉल पर्पज़ यूज़ करते हैं। तो अब ये कि इसका तो ड्रोन शॉट होना मस्ट है, अगर ना होगा तो ग्राउंड के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो फिर आप इंजॉय करें ड्रोन शॉट। यार बात ये है कि अब इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कैंपस के अंदर दो कैंटीन है, एक वेस्ट साइड पर है जिधर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक ईस्ट साइड पर है। तो इस वक्त आपको हम वेस्ट कैंटीन का फोटो दिखाएंगे और आपको पता ही है ऊपर से आएंगे।
हाँ जी, अब बारी आती है उस जगह की जहाँ सबसे ज़्यादा हमारा वक्त गुजरता है, यानी हमारे डोम्स, डोमेट्रीज। जो भी मतलब हो, बंदा बाहर जाता है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है, लेकिन फिर पूरे दिन गुजरने के बाद आखिर बंदे का मुंह कमरे के साथ ही लगता है। तो इनकी फोटो दिखाना तो लाजमी थी। तो ये मेरे पीछे सारे डोम्स हैं, आप देख लें। आती है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की। ये मेरे पीछे खूबसूरत किस्म की इमारत जो नज़र आ रही है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसको भी ऊपर से ही देख लें। जी आपने अब देख लिया बाकी यूनिवर्सिटी के, तो मैंने आपको सीन्स दिखा दिए हैं। अब असल मकसद की तरफ बढ़ते हैं, स्टडीज़। तो स्टडीज़ की बात आए तो बिल्डिंग्स का, टीचिंग बिल्डिंग्स का दिखाना तो लाजम है। तो मैं आपको टीचिंग बिल्डिंग दिखाऊंगा। ये नहीं है, ये तो रेंडम आ गया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये मेरे पीछे ये मेडिकल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ से ले कर वो पीछे तक, और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होती हैं। ये पीछे जंगलात सारे पार करके जाना पड़ता है। तो अब ये कि यहाँ पर मेडिकल की जितनी क्लासेस हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर ही इनके लैब्स भी हैं और क्लासेस भी होती हैं। मतलब पूरा MBBS यहाँ पर ही होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आगे बने हुए हैं हर सब्जेक्ट वाइज। तो ये भी ड्रोन शॉट देख लें फिर। जनाब अब बारी आती है लाइब्रेरी की, चेक करें बिल्डिंग। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे लोग अक्सर लोग ईद के ईद नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे ही मैं जो है एग्ज़ाम के एग्ज़ाम इधर हाज़िरी लगाता हूँ। तो इसका भी आप ड्रोन शॉट देख लें। ये था सारा कैंपस का टूर। तो मतलब यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मतलब दिखाने लायक थी, मैंने दिखा दी। तो बाकी आप सपोर्ट करें मुझे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब एज़ वेल। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये हालात सारे नॉर्मल हो जाएंगे, तो कर्फ्यू वगैरह या लॉकडाउन सब ख़त्म होगा, तो फिर हम सिटीज़ के बाहर जाएंगे, तो मज़ीद डेली व्लॉगिंग भी होगी इंशाल्लाह। तो तब तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।